सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सुजानगढ़ के लाडनू रोड से, जहां पर स्थित रेलवे फाटक संख्या एक पर आज बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद जश्न मनाया। जश्न के दौरान युवा वर्ग के लोग डीजे की धुनों पर नाचने लगे और देशभक्ति नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। खास बात ये रही कि इस दौरान बड़ी मात्रा में आतिशबाजी की गई और आकाश भी रंगीन नज़ारों से रंगीन हो गया। वहीं वक्ताओं ने भी इस दौरान भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान को साफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी पर भी लोगों ने आस्था जताते हुए कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे शख्स हैं जो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का मादा रखते हैं। लोगों ने इस अवसर पर मोदी मोदी के नारे लगाए और भारत माता के जयकारों के साथ कार्यक्रम प्रवान पर चढ़ा। दूसरी ओर बीच सड़क पर कार्यक्रम होने से यातायात व्यवस्था में भी थोड़ी देर तक बाधा पहुंची। आप भी देखिए क्या क्या हुआ कार्यक्रम के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। भारतीय सेना के समर्थन में यहाँ पे पधारा आया हूँ। हमारे नवयुवकों ने रैली रखी है, कार्यक्रम रखा आतिशबाजी का, बहुत ही जश्न और हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम हुआ है। हमें पाकिस्तान भी साफ चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को मारते मारते पाकिस्तान को भी मारो। हम महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार हैं। हम नरेंद्र मोदी और आर्मी के साथ में पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे नौजवानों को बोला जाए कि यहाँ से पाकिस्तान को मारने के लिए, पाकिस्तान में हमला करने के लिए यहाँ से कोई फौजी में जाएगा, तो हमारे नौजवान साथी सब आगे से आगे बढ़कर बोलेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। ना तो कोई डर रहा है पाकिस्तान से, ना कोई आतंकवादी से खौफ है हमारे मन में। आज ऐसा माहौल है जैसे राम जी वनवास काट के 14 साल से आए थे। आज जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है, उसने नहीं काम किया है, और पाकिस्तान को हम सब चाहते हैं, पाकिस्तान को साफ करो, नमो नमो का जाप करो, पाकिस्तान को साफ करो। हुआ था उस समय लोगों को बिरयानी खिलाई गई थी। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। मोदी ने सटीक जवाब दिए हैं और ये पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। और ये तो पहला एक किस्त है, ऐसी किस्त अभी पाकिस्तान को कहीं दी जाएगी। पाकिस्तान भूल जाएगा कि कश्मीर में आतंकवादियों को हम भेजूं या नहीं भेजूं। जय हिंद, जय भारत।